अगर कलर विजन के कारण आप आई मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इसके संबंध में हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि आप कहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप ना तो फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हैं, ना दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं, और इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन आपके लिए गवर्नमेंट ने बनाया नहीं है जिसमें कि आपको रखा जाए और जिसके अंतर्गत अगर आप किसी एक जगह पर फिट नहीं होते हैं तो किस जगह पर आपको एडजस्ट किया जा सकता है या कौन सी जॉब आपके लिए एलिजिबल है तो उसमें आपको ऑप्शन मिल सके। तो इसलिए ये स्थिति, कंप्लेंट की स्थिति आपके लिए पैदा हो जाती है और उसके आगे फिर क्या स्टेप रहता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आप कहाँ पर केस कर सकते हैं। तो जो कंप्लेंट वाला वीडियो है अगर आपको वो देखना है तो वो आप इस आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। कंप्लेंट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप कोई भी केस फाइल करते हैं कोर्ट में तो उसके पीछे जो आपके डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे या फिर जो भी आप अपना पूरा बैकग्राउंड दिखाएंगे, जो कारण दिखाएंगे, उसमें कम से कम एक वेटेज होना चाहिए आपके पास आपके केस में कि आपने इन इन जगहों पर आप ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हमने आपको बताया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक चीज़ और भी बताते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं एज ए कलर ब्लाइंड तो आपको नीरव मकवाना से ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए। वो एक बंदा ऐसा है जो सबके लिए फ़ाइट कर रहा है, आई थिंक पूरे इंडिया में सभी के लिए वो फ़ाइट कर रहा है, जिससे कि आपको जुड़ना चाहिए, जिससे आपको आपके अधिकार मिल सके। तो उसका व्हाट्सअप ग्रुप का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके उससे जुड़ सकते हैं। और वो खुद एक कलर ब्लाइंड है, साथ ही साथ अब वो इसमें उसने ऑलरेडी केस फाइल कर रखा है, उसकी आगे प्रोसेस चल रही है, काफी समय उसको हो चुका है, तो इसलिए उससे आपको जुड़ना जरूर है, जिससे कि आप सब मिलकर एक मंच पर जब खड़े होंगे तो आप अपने अधिकार को सरकार से ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी संख्या कम होगी तो शायद ये समस्या ऐसे ही बनी रहे जैसी आज आप सबके लिए बनी हुई है, तो आपको उससे जरूर जुड़ना चाहिए। इसके साथ साथ जब आप ये वीडियो देखते हैं तो इसका फीडबैक जरूर दिया करें, या तो इसे लाइक करके या फिर कमेंट करके, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और जो हमारी इस चैनल की जो फैमिली है उसमें शामिल हो। अगर आपको रिजेक्शन सिर्फ इस वजह से मिला है कि आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप रिजेक्शन के 6 महीने के अंदर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप केस फाइल नहीं कर पाते हैं तो 6 महीने के बाद भी आप केस फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपका केस लड़ेगा कौन, उसके लिए ज़रूरत होती है एक एडवोकेट की। तो अगर आप एडवोकेट अफोर्ड कर सकते हैं देन ओके, और अगर आप एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोर्ट में ही एक फ्री लीगल सेल का एक डिपार्टमेंट होता है जहां से आपको एडवोकेट मिल जाते हैं। उसके लिए नियम ये होता है कि आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, साथ ही साथ कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर सबमिट करने हैं, और इसकी जानकारी भी आपको वहीं से मिल जाएगी, उसी सेल से मिल जाएगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगाने हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट होने के वजह से आपको एक एफिडेविट लगाना होगा एक स्टूडेंट का कि आप एक स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर आपको लगाने होंगे, जिसके बाद उस सेल से आपको फ्री एडवोकेट की फैसिलिटी मिल जाएगी। कलर विजन का केस आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल नहीं होगा, इसके लिए आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आपको केस फाइल करना है, और अगर आप वहां पर हार जाते हैं तब उसके बाद आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस आप फाइल कर सकते हैं, और अगर वहां भी आप हार जाते हैं तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा एक जानकारी और भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में नहीं जाना चाहते या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में नहीं जाना चाहते, तब आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर अपील कर सकते हैं, और अगर वहां पर हार जाते हैं तब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने जो दो ऑप्शन आपको पहले बताए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसमें ये ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है क्योंकि इनके डिसीजंस जल्दी आते हैं, हाई कोर्ट में डिसीजन आपको जल्दी नहीं मिलेगा, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आपका डिसीजन जल्दी आ सकता है। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि वहाँ पर जो अपील करने के जो चांसेस होते हैं वो आपको 2 बार मिलते हैं, तो इसलिए वो बेटर ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप केस फाइल करते हैं तो आप अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस को फाइल करें, और अगर किसी कंडीशन में नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए ऑप्शन है ही है कि आप सीधा हाई कोर्ट जाएं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं।
एंड एट लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिन्होंने कांस्टेबल या फिर आर्मी के लिए अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट अगर उसमें हो गए हैं तो उनके भी उनके संदर्भ में कोर्ट ने कुछ पॉजिटिव डिसीजंस दिए हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड आई होप कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और इस प्रोसेस को अगर आप अपनाएंगे तो आई थिंक सो कि आपके जो डिसीजंस हैं वो आपको जल्दी मिलेंगे और जो करियर की जो समस्या है वो जल्दी आई थिंक सॉल्व हो जाए। मैं भी प्रे करूंगा कि आपको जल्दी से आपका ड्रीम जॉब मिले। वेल फाइनली आपको नीरव से ज़रूर जुड़ना चाहिए, उससे जुड़कर अपनी एक ताकत को बढ़ाना चाहिए जिससे कि आपके डिसीजन जो नहीं अभी तक लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो जल्दी से लिए जा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।